हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कैसे कोई भी कंपनी मोबाइल से डाटा केबल के माध्यम डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन किया जाता है, उसका सही तरीका। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डेल का लैपटॉप है, या लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी में ये काम करेगा, चाहे विंडोज 7, 8, 10, 11, सब में एक ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो एंड तक देखिए। पहले यूएसबी डेटा केबल को लैपटॉप में कनेक्ट करना है, और मोबाइल में और एक केबल जो साइड है उसको कनेक्ट करना है। ये सैमसंग का मोबाइल है, कोई भी मोबाइल में ये सेम बाय सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब मोबाइल में केबल कनेक्ट कर दिया, इसके बाद क्या करना है, एलो, नेक्स्ट एलो पे क्लिक करना है। थोड़ा लाइट ज़्यादा है इसीलिए, एलो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो मोबाइल जो नेटवर्क का जो ऑप्शन है, क्रॉस चिन्ह, रेड क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, आप मोबाइल में चलते हैं, मोबाइल को जो डेटा है, डेटा को ऑन कर रहे हैं कोई भी मोबाइल में। देखिए डेटा ऑन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। नेक्स्ट कनेक्शन में जाना है। नेक्स्ट मोबाइल हॉटस्पॉट एंड थेयरिंग में जाना है। नेक्स्ट यूएसबी थेयरिंग को ऑन कर लेना है। थोड़ा टाइम लग रहा है कनेक्ट होने में। फ्रेंड्स, ये कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐसे कनेक्ट आराम से हो जाएगा। देखते रहिए। थोड़ा टाइम लग रहा है। प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए कनेक्ट हो गया। अब एक बार गूगल क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं। गूगल ओपन को गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल ओपन हो गया, देखिए। अब इसको यूट्यूब ओपन करना है, देखिए पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेना है। देखिए पेज ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये नेट कनेक्ट हो गया मोबाइल से लैपटॉप में। सेम तरीका कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, कोई भी मोबाइल से डेटा केबल के माध्यम ये कनेक्ट आराम से हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।